DIIIB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे HSC CET के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन तो सब ने देख लिया, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे वही उसमें क्या नया नया तो कुछ है ही नहीं। जो सब बातें न्यूज़पेपर में जो डेली छप रही थी वही एज इट इज़ जो नोटिस में है, और ना इसमें डिटेल सिलेबस है। जो चेयरमैन साहब बोल रहे थे बार बार कि हम डिटेल सिलेबस देने की कोशिश करेंगे इसमें, तो इसमें कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं है। बस पुरानी नोटिफिकेशन में जो लाइनें होती थी 75% कॉमन और 25% हरियाणा जी के, तो वही लाइन है, दो चार हुआ है, इसमें कॉपी पेस्ट हो गई हैं और कुछ नहीं हुआ है। बस इसमें थोड़ी सी ऐड ये हुई है कि जो ग्रुप सी वाले पेपर के लिए जो लेवल रहेगा वो +2 रहेगा, और जो ग्रुप डी वाले पेपर के लिए टेंथ तक का मतलब पैटर्न अब लेवल रहेगा आपका, ग्रुप सी के लिए +2 वाला और जो ग्रुप डी के लिए 10 वाला। और हम बात करें भाई एग्ज़ाम डेट भी इसमें कुछ भी नहीं, हिंट तक नहीं दिया कि कौन से महीने में ले सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में जो बस जो एक तरीके से डेफिनेशन है हर चीज़ की, इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जो भाई बच्चे एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है एक तरीके से भी, किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं ना इसमें, वो है। तो जो चीज़ होनी चाहिए थी वही चीज़ें इसमें नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से इन चीज़ों की डेफिनेशन है CET में, क्या चीज़ें क्या नहीं वो डेफिनेशन है। और जो सिलेबस तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है पुराने नोटिफिकेशन का। तो HSC को चाहिए कि इसमें सुधार करे थोड़ा, जो डिटेल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम रेट जो बच्चों को अलग से कोरिजेंडम या फिर कुछ भी करके जो दे दे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो नोटिफिकेशन हमने देख लिया होगा, तो जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर बता दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।